गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्ट्रा। यूपी में 2022 तक स्थापित होंगी 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो इन्वेस्ट 2020 में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ऊर्जा की खपत एवं उत्पादन विकास का है मुख्य आधार। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शुक्रवार को वाराणसी के लिए किए प्रस्थान। निर्माणाधीन रेलवे क्लब व सड़क का सदर सांसद रवि किशन ने किया औचक निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता की जांच, कहा गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करें निर्माण कार्य। गोरखपुर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य तथा हिंदी दैनिक अखबार के प्रधान संपादक डॉक्टर तेज प्रताप शाही के देहांत के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके घर पहुंचकर परिवारजनों से की मुलाकात, पूछा कुशल क्षेम, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मंडलायुक्त ने शुक्रवार को गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों के साथ धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, संबंधित मिल को धान की डिलीवरी के दिए निर्देश। गुरुवार को हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के देवरिया सोपरा में हुए किराना व्यापारी की हत्या पर शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने से किया इनकार, हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन, कहा मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा मांग पत्र। शहर को साफ सुथरा और जल जमाव मुक्त करने का नगर निगम का दावा खोखला हो रहा है साबित, महानगर के सूरजकुंड मोहल्ला स्थित एक सीवर हफ्ते भर से है जाम, अधिकारी मौन, नागरिकों में रोष। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा ने नव नियुक्त शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा, कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ 1 दिसंबर से प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,957। अब तक 320 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 470 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और सांसद रवि किशन ने जरूरतमंद लोगों को किया मास्क व कंबल का वितरण, लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक, कहा सुरक्षा ही है बचाव।